मेरे साथ तीन बार माला लगाएंगे, जय सिया बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए। खुद को नास्तिक कहने वाले जावेद अख्तर जय सिया राम का नारा लगाते नजर आए। हाल ही में जावेद अख्तर राज ठाकरे के दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। यहां इन्होंने हिंदुओं और लोकतंत्र को लेकर बड़ी बात कही। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। तुम्हारे डर के बाहर निकल आई, ये कि यही एक सही तरीका था लिखने का, तो चाहे तुलसीदास जी लिखे या कोई, अगर सही रास्ता पकड़ना तो यही है। मुझे मालूम ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया और वो बड़ा लोगों ने पसंद किया और बड़ा चला, तो मैं एक अजीब सा संबंध अपना फील करता हूं। ये हमारे संस्कृति में और भी बेटी है, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान में आता है। एक अध्यात्म रामायण 15वीं सदी में, समझिए 100-125 साल पहले रामचरित मानस से लिखी गई थी, उसमें एक दृश्य है कि जहां सीता जी और रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्यों चल रहे, कहां तुम जंगल में जाओगे, तुम यहां रहो में आ। ये तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जैसे आप और राम को अलग से भेद नहीं किया, उसका नाम था रावण, जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ तीन बार नारा लगाएंगे, जय सिया बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिए। जैसा कि आपने सुना, जावेद अख्तर कहते हैं, वैसे तो मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि माँ सीता की भूमि पर पैदा हुआ। भगवान श्री राम हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है, यही वजह है कि मैंने इस इवेंट में हिस्सा लिया। जब भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम का जिक्र करते हैं तो भगवान श्री राम और माता सीता का नाम हमारी जुबान पर आता है। वे आगे कहते हैं, सीता और राम प्रेम के प्रतीक हैं, उनका नाम अलग अलग लेना पाप है। हम उनका नाम अलग अलग नहीं ले सकती। जो ऐसा करना चाहता था वो सिर्फ और सिर्फ एक था, रावण। अगर आप सिर्फ एक नाम लेते हैं तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं रावण छिपा है। मशहूर गीतकार ने आगे कहा, मुझे आज भी वो समय बेहद अच्छे से याद है जब हम सुबह के समय लखनऊ में टहलने निकलते थे तो एक दूसरे का जय सिया राम कहकर अभिवादन करते थे। जावेद अख्तर ने कहा कि आज के समय में असहिष्णुता बढ़ गई है। हालांकि पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके अंदर सहनशीलता नहीं थी, लेकिन इनमें से कोई हिंदू ऐसा नहीं था। हिंदुओं का दिल हमेशा से बड़ा रहा है। मैं अभी भी यही कहना चाहता हूं कि उन्हें अपने अंदर से ये चीजें खत्म नहीं होने देनी चाहिए। बहरहाल, जावेद अख्तर का ये वीडियो, ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, काफी इन्हें पसंद भी किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।